Assalamualaikum students, this is Myra Amjad. Welcome to Javed Publishers. आज हम reading numbers grade 4 plus में number 17 सीखने जा रहे हैं. Dear teachers, आप बच्चे को 17 number की identification करवाएंगी, 17 बोलना सिखाएंगी, 17 को लिखना सिखाएंगी और objects में से 17 objects को count करना सिखाएंगी. तो चलते हैं अपने आज के lesson की तरफ. So students, are you ready to read an other number? I am ready. So look at the number. What is it? You don't know? Okay, let me tell you. जैसे आपने number पढ़ा था 16, वैसे अब ये नया number है 17. जी बच्चों, 10 और 7, 17. Very nice. आज मैं आपको 17 के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ. मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह 17 ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं. अच्छा बच्चों, अब क्या करना है? आपने मैक्रोनी बीन्स लेने हैं. किस किस को पसंद है मैक्रोनी? मुझे तो बहुत पसंद है. आप क्या करो, अपने मैक्रोनी के पैकेट में से 17 मैक्रोनी बीन्स को अलग करो. कैसे अलग करोगे? चलो मैं आपके साथ करती हूँ. आपके पास है मैक्रोनी का पैकेट. अब आप इसके अंदर से वन बाय वन काउंट करके 17 बीन्स को अलग कर दो. चलो अब हम इसके अंदर से 17 निकालते हैं. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब और कितने निकालने हैं? 16 एंड जस्ट वन मोर 17. बस बाकी पैकेज को आप साइड पे रख दो और ये 17 मैक्रोनी बीन्स अपनी मामा के पास लेके जाओ और मामा को कहो, मामा ये 17 मैक्रोनी बीन्स हैं. और फिर आपकी मामा काउंट करेंगी. जब वो 17 होंगे तो आपको शाबाश मिलेगी और साथ एक कैंडी भी मिलेगी. ठीक है बच्चों, आपने इसके साथ ही साथ एक और चीज करनी है. जल्दी से देख के बताओ ये क्या है. नहीं बता? घर में नहीं देखे? यॉर्न्स, वो धागे जिनसे दादी अम्मा आपके स्वेटर्स बनाती हैं. नहीं पता यॉर्न्स क्या होते हैं? कलरफुल थ्रेड्स होते हैं. ये थोड़े से मोटे धागे होते हैं जिनसे हम कपड़ा बुनते हैं. आपने दादों से पूछना है कि ये क्या होते हैं. दादू आपको बताएंगी कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो स्वेटर बनाया है वो इन्हीं से बनाया है. तो अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर में जितने भी धागे हैं इनको काउंट करना है. चलो मेरे साथ करो. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन और 17. Very nice. 16 में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो 17 बन जाता है. वेरी गुड बच्चों, आपको तो काउंटिंग आ गई है. अब आप एक और काम करो मेरे साथ. देखो 17 को लिखते कैसे हैं. आपको याद है मैंने आपको सिखाया था 1 लिखना? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और इसी तरह 7 लिखना भी सिखाया था. स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन. वन, वन एंड सेवन, 17. वेरी गुड. आपने इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और 17 ऑब्जेक्ट्स को काउंट भी करना है. डियर टीचर्स, आप बच्चे को 17 की आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद 17 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए अपनी क्लास में रेडी अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं. बच्चों के रीइंफोर्समेंट करवाएं, अपने सामने अपने बेंच पर 17 ऑब्जेक्ट्स रख लें और बच्चों को वन बाय वन बुलाकर बच्चों से कहें कि वो इसमें से लेट्स सपोज, लेट्स से
3 ऑब्जेक्ट्स निकाल कर दें, किसी बच्चे से कहें कि वो 10 ऑब्जेक्ट्स आपको अलग करके दे। इस तरह बच्चों को ये पता चल जाएगा कि हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट कैसे करना है। लेट सपोज आप बच्चों को कहती हैं कि 3 ऑब्जेक्ट्स निकाल कर दें, अगर बच्चा आपको 3 ऑब्जेक्ट्स निकाल कर देता है तो बच्चे को काउंट करने का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर बच्चा नहीं कर पाता, उसकी हेल्प करें, उसे बताएं कि हमने किस तरह से ऐड करके ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना होता है। इसके साथ ही साथ आप अपना रेडी अवेलेबल मटीरियल यूज़ कर सकती हैं, इतनी क्वांटिटी में अपने पास रखें कि आप हर बच्चे को लेट सपोज 17 बॉटल कैप्स दे सकें या स्ट्रॉज दे सकें या आइसक्रीम स्टिक्स दे सकें, और बच्चों से ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट भी हो जाएगी और बच्चे को काउंट का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ उनकी प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाएं, 2 बच्चों को बुला लें, उनसे कहें कि एक बैक कर ले और दूसरा उसकी बैक पर लिखे, और जो लिखने वाला है वो जिसकी बैक पर लिख रहा होगा उसे पूछे कि वो क्या नंबर लिख रहा है। इस तरह दोनों बच्चे अटेंटिव होकर, लिखने वाला अटेंटिव होकर एक नंबर लिखेगा और गेस करने वाला अटेंटिव होकर उसकी फॉर्मेशन को समझेगा और गेस करेगा। इस तरह की आप प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के बाद बच्चों को जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइडेड राइटिंग बुक्स का इस्तेमाल करते हुए 17 लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगी, जिसमें क्लास सेक्शन क्लास वर्क में करवा देंगी और होमवर्क के लिए होमवर्क का सेक्शन करने के लिए दे देंगी, और बच्चा वहाँ पर मौजूद 17 ऑब्जेक्ट्स में कलर करेगा, साथ ही साथ उनको काउंट भी करेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।